आपको बांटने का काम कर रहे हैं। इनके चेहरे अलग हैं, इनकी चाल अलग है, इनका चरित्र अलग है। ये बोलेंगे कुछ, दिखाएंगे कुछ, करेंगे कुछ। समाजवादी पार्टी की खुफिया तो संदीप बाबू जी के दिवंगत होने पर तो एक भी शब्द उनके मुंह से नहीं निकला। वहीं प्रदेश का एक दुर्दांत माफिया मरा था तो माफिया पढ़ने के लिए उसके गांव तक चले गए। सैकड़ों हिंदुओं की खून से उसके हाथ रंगे हुए ऐसे दुर्दांत माफिया के मरने पर ऐसे मातम मना रहे थे जैसे इनका कोई सगा चला गया हो। आज परेशान है क्योंकि उनकी गुंडागिरी के स्कोप डबल इंजन की सरकार ने बंद कर दिए, उनकी अराजकता के स्कोप बंद कर दिए गए। जो लोग आपको बांटने का काम कर रहे हैं, इनके चेहरे अलग हैं, इनकी चाल अलग है, इनका चरित्र अलग है। ये बोलेंगे कुछ, दिखाएंगे कुछ, करेंगे कुछ। जब भी इन्हें अवसर मिला उत्तर प्रदेश को इन्होंने दंगों की आग में झोंका। जब भी इन्हें अवसर प्राप्त हुआ इन्होंने हिंदुत्व के ऐसे नायकों को अपमानित किया। कौन नहीं जानता है समाजवादी पार्टी के मुखिया को सरदेव बाबू जी के दिवंगत होने पर तो एक भी शब्द उनके मुंह से नहीं निकला। श्रद्धांजलि देने के लिए जाने की बात तो दूर, एक शब्द नहीं निकला। और वहीं प्रदेश का एक दुर्दांत माफिया मरा था तो फातिया पढ़ने के लिए उसके गांव में क्या यही पीढ़ी है? क्या यही पीढ़ी है इस सकल हिंदू समाज के लिए जिनका जीवन समर्पित था? ऐसे सर्वे बाबू जी के दिवंगत होने पर श्रद्धांजलि देने की बात को दूर, श्रद्धांजलि देने की बात को दूर, एक शब्द उनके मुंह से संवेदना के लिए सरकार से नहीं बात करते, जो भैया से बोल करके संवेदना व्यक्त कर सकते थे। क्योंकि सदे बाबूजी तो राज्यपाल भी थे, दो दो राज्यों के राज्यपाल रह चुके थे, प्रदेश के दो दो बार मुख्यमंत्री रह चुके थे, प्रदेश में मंत्री रह चुके थे, 10 बार विधायक रह चुके थे, 2 बार सांसद रह चुके थे, शब्द नहीं निकला। और सैकड़ों हिंदुओं की खून से जिसके हाथ रंगे हुए ऐसे दुर्दांत माफिया के मरने पर ऐसे मातम मना रहे थे जैसे इनका कोई सगा चला गया। ऐसा भाइयों, ये पीडीए का वास्तविक चरित्र है और इनका वास्तविक चरित्र देखना है तो अयोध्या में एक निषाद बालिका के साथ जो घटना घटी थी, कन्नौज में जो घटना घटित हुई, लखनऊ में जो कुछ घटित हुआ, ये यही इनका वास्तविक चरित्र है, यही इनका चेहरा है, यही इनका चेहरा है। ये लोग बोलेंगे क्या, करेंगे क्या और दिखेगा क्या? इस भाविस में जब तक हम फर्क महसूस नहीं करेंगे और जब तक इसका एकजुट होकर के मुकाबला नहीं करेंगे तो जो प्रदेश की जनता को ऐसे ही बेवकूफ बनाते हैं, ऐसे ही समझे रहे। आज आवश्यकता है हम इनकी वास्तविकता को समझे। आज परेशान है क्योंकि उनकी गुंडागिरी के स्कोप डबल इंजन की सरकार ने बंद कर दी, उनकी अराजकता के स्कोप बंद कर दिए गए, उनके एक एक खड़यंत्र को हर एक पक पक पर रोक करके उतनी कठोरता के साथ रोकने के सारे स्कोप बंद कर दिए गए। परेशान तो इसका होना स्वाभाविक है,
स्वाभाविक है, लेकिन चिंतित होने की आवश्यकता है। प्रदेश में जीरो टॉलरेंस की जिस नीति को 1991 में सपे बाबूजी ने लागू किया था, वह आज भी प्रदेश